मान जल्दीपुर से चल करके आ रहे दिनेश मस्ताना जोकरी देकर करिए दो हंसी के गोलगप्पे, उसके बाद हमारा नलकथा का प्रोग्राम चालू। तेरी माँ को चैत वैसाख मारो, ये तो ऊपर कद्दो को मुंह पे नीचे ही ना हेरो। तो प्यारे सज्जनों, आपने चित्रपट संगीत तो हजम कर ही चुके होगे भैया, कसो रसगुल्ला मेरे उखेच लियो। तो पहली बार तो सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि पहली बार तो गलती होएगी ना, और है कैसे जाएगी, पहली बार तो गलती होएगी ना, और है कैसे जाएगी, पहली बार तो गलती होएगी ना, मुझे माफ कर दइए भैया, मैं गलती से ही पैदा है गौ। पहली बार तो गलती होगी ना, हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे कहना है मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। और जिन नौजवान भैया खड़े हैं मत 80 रुपया बार मोई पे रोंद के दद दू, इन सब कहनी है क्या पहली बार तो गलती होएगी ना। चलो पैसा बोलो ही नहीं। हेलो देखिए साहब, ये श्रीमान जी, ये मुच्छल नेता जी, मैं कर दूं मरिया थोड़ी देर को चुप रहे भैया, मेरे मेरी पटरी से रेल उतारोगे। नौजवान भैया से कहना हो कि पहली बार तो गलती होएगी ना, और है कैसे जाएगी, पहली बार तो गलती होगी ना, अगर खुदा खास्ता मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। आज मुला के तो मेरी अठन्नी चवन्नी कच कम दिख रही है, गांव में पैदावारी कम है। कोई बात ना, मैं तो अपन थोड़े से ही मनो बहला ही लेंगू, मेरे इलेक्शन वैसे हसनवारी बात कचना है, इलेक्शन मेरे छोटे से ही रेत हुए है भैया। तुम सौ लल्ला बच्चों कहना है कि पहली बार तो गलती होगी ना, और है कैसे जाएगी, पहली बार तो गलती होएगी ना, अगर खुदा का हस्ता मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अपना पापा समझ के माफ कर दे। तो प्यारे सज्जनों, एक मजे की बात, उसके बाद देहाती प्रोग्राम ढोला। मजे की बात, हमारी माँ बोली के लल्ला तुम्हारी बहू मैके चली गई है, और अपनी बहू को बुला लाओ। हमने साइकिल उठाई अपनी ससुराल को, कपड़ा पहन के स्टार्ट भाई साइकिल उठा के, हमारी अम्मा बोली के एक आर रोटी खा जाओ। हमने कहा रोटी ना खाएंगे, आज ससुराल में जा रहा है और ससुराल में जाकर पूरी खाएंगे। हमारी सास, हमारी अम्मा बोली के ना खा रहे हो तो जा। जैसे ही हम ससुराल में पहुंचे, हमारी सास ने देखे लल्ला आए गए है, सो भैया एकदम करैया ऊपर चूलो धत्ता हूं। के पट्टे करैया के ऊपर, चूल्हा का चूल्हे के ऊपर करैया, अब चूल्हे के ऊपर करैया धरी जाते हैं। हमारी सास लो बड़े बड़े आइटम बनाए हैं, और हम भैया दलाल पे ही बैठ रवाए दे हैं। अब हमारी सारी से कह दे के जाए का कह दे अपन जीजल से रोटी खा ले। हमारी सारी एकदम पहुंची के जीजा का जीजा चलो रोटी खा लो। हमने की सास को इन्हें रोटी बना ले, इन्होंने पूरी ना बनाएंगी। सो अपनी सारी से मैंने कह दी कि हम ना खा रहे। हमारी सारी चिपचौनी सुकड़ के बेचारी वापस है आई, बोली के जीजा मने कर रहे हैं क्या, कोई बात ना, थोड़ी देर बाद हमारे भैया सारो आओ, सारे को नामो गोपला, अगर कोई हो भैया मुझे माफ कर दियो हूँ। हमारे सारे को नामो गोपला, सारे सारे बोलो का जीजा रोटी बोटी खाइया, सो एकदम घेर पे ही पहुंच गो हूँ। एकदम बोलो का जीजा का रोटी फोटी ना खाओगे। मैंने कही इन्होंने साधनों ने पूरी ना बनाई है, इन्होंने बोला था रोटी बनाई है, रोटी अपनी घर छोड़ के आए, इन्होंने रोटी बनाई है। हमने कह दे क्या यार हम ना खा रहे, तू जा। अब थोड़ी देर बाद हमारे ससुर आए,
हमारे ससुर ने कही लल्ला खेत दे रखे आएगा कि लल्ला 2 घंटा दिन से भरे क्या रोटी पानी की बात करी क्या कहूँ होटल पे खाया है कह एक काम करिए घेरा पे ही जा रहा हूँ भंजे मेरे खानो भेज दिए मैं हूँ भंजे खाऊ हूँ। अब हमारी सारी ना थरिया में परोसा पर सका हमारी सारी के हाथ में दो का जा लल्ली अपने पापन को खानो खिलाया और भैया हम खटिया पर बैठे जैसे ही हमने खटिया पर से लखाई डारी तो थरिया में माल फुआ अरे पूड़ी अरे कमचौड़ी मैंने कचौड़ी कमचौड़ी हाँ कचौड़ी होती है भैया हमने कही हमारा कह रहा है कि जीजा रोटी खा ले बहन चो इन्होंने बड़े बड़े आइटम बनाए। अब हमारे ससुंड का काम करो हाथ धोए कर चुप चानी खानो स्टार्ट है गए ही। अब हम हो लगी थरिया माँ को लखाई बांध ली अब दर पाती लमको सरके हैं दर सराती लमको सरके हैं हमारे ससुन ने ना कही के लल्ला ने कट्टों का खाओ या ना खाओ भी चुप चानी हमारे ससुर खाएगा। अब जैसे बजे रात के 10 अब पेट में चुकदम कबड्डी काटन लगे मैंने अब कैसे होगी सो भाटे को महीना हो हमारी घरवारी भैया छत पे सो रही हम छत पे ही पहुंच गए हैं तो हमारी घरवारी जगाई तो हमारी घरवारी बोली के झंझे कबड्डी लल्ला बैठना जाओ रे बैठ जा मेरे बाप बैठ जा कोई वरना कह रहा हो सही है बैठो लल्ला बैठो तो हमारी घरवारी छत पे सो रही हमारा छत पे जगाई क्या उठिए भगवान हमसे बोली के झंझे कबड्डी काटे डोर रो नासियो अरे मैं तो कबड्डी की पड़ रही है भूख के मारे चौकदम कबड्डी काट रहे हैं के पहले चोना खाई के पहले नोना खाई जो आ रहा सो नो कह रहा जीजा रोटी खाए लो जीजा रोटी खाए लो नो काउ ना कही जीजा पूरी खाए लो क्या बोला के था तुम बोला था घुइया में के भोपियो रुक जाओ मैं घर में जा रही हूँ देख रही हूँ नेकाद बासी की सी होगी तो लेके आ रही हूँ। हमारी घरवारी नीचे घर में पूरे घर खकोरे आई घर खाली आए के बोली एक काम करो ऐसे ही सोबो रात काटो अपनी घुट्टी दे लो पेट में ही क्या भगवान रात कटेगी ना क्या कटे ही ना तो एक काम करो मलैया में डेल करो मटरा फूलो धरो क्या लिया सारे भूकंप वही सही है सो मटरा चबके और पानी पी के हमारी घरवारी बोली के झंझे सो जाओ रात भर कबड्डी मत काटियो हमारे बाप भैया कहेंगे कल रात भर लल्ला जी नहीं पे सीढ़ी गिने करी सो भैया छत पे ही सोवा ले। अब जब बजे रात के 12 और हमको लगी पेशाब हमने घरवारी उठाई के भगवान पेशाब करवा देगा मुड़गारी पे से ही फिर ली जैसे ही हम मुड़गारी पे पहुंचे नीचे हमारे ससुराई खटिया पर ही जैसे ही पेंट खोली और पेशाब फ्री ससुराई खटिया पे गिरी हमारे ससुर बोले क्या कुप्पला सारा खटिया भीतर करवा दे मैं आएगा मैं हमारी घरवारी बोली के हमारे बाप के ऊपर अभूति दो हमने कही हमें का मालमी जी पर तुम्हारा आके बस सो गए और तुम्हें मालूम है भैया बुजुर्ग लोगों को मारे में मटरापन असर वाला गई दिखा तो है। अब जब बजे रात के 2 अब मटरा पेटम फूलो और पेट फूल का गुब्बारो बहुत तोड़ा बीत रहे हे मेरे मेरे परमात्मा तेरी खेच लो आत्मा अब कैसे होएगी अब मत पेट फटो जा रहो धीरे धीरे घरवारी उठाई के का बीमारी फैल गई के का बीमारी पेट तोमा है को जो फटवा रो है कह एक काम करो मैं चल रही हूँ मुड़गारी में तुम्हारे हाथ पकड़ लूंगी जालंग मत फिरियो और पल्ली लंग चलो तो तक हमारे ससुन ने खटिया पल्ली लंग डरवाई ली। अब भैया हम बैठ गए मुड़गारी पर हमारी घरवारी ने पकड़ लाए हाथ अब मुड़गारी पर बैठ कर मटरा को बैलेंस बनो अब मटरा लिखो छतराई मटरा लिखो हमारे ससुर की खटी पे गिरू हूँ हमारे ससुर बोले का कुपला का सारे खटिया भीतर करवा दे और पर रहा है और हमारी घरवारी की भैया समंगल हंसी झूठ गई सो समंगल ही गिर पड़े अरे का जल्दी भीतर करवा दे पूरी सिले गिर रही है अगर बैठे रहोगे तो प्रोग्राम में भी मजा आएगा ज्यादा बड़े कलाकार नहीं है हमारी वीडियो बना रहे इस समय सौवेश भैया कर्या भाई की तरफ से और केजरीवाल हमारे देगवा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
तो चलते हैं। हेलो फिर भाई 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं तो सिर्फ गंगा सिंह धर्मपुर की तरफ।